कि ये हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, चारों तरफ से बंद बंद है। ये किस चीज का पेड़ है? शहतूत का। हाँ। ये तो बड़ा घना पेड़ है। हाँ। और काफी सारे लगा भी है इसमें। सब कच्चे लेकिन। हाँ। ये देखिए, ये शहतूत का पेड़ है और इसमें शहतूत लगा है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये शहतूत है। अब इस शहतूत के पेड़ से ये देखिए पूरा बाहर निकलते हैं। कल बारिश हुई थी ना, इसलिए पानी है। हाँ, बारिश की वजह से ही पानी है। हम लोग घूम के वापस उसी रास्ते पे आ गए जहाँ से हम लोग गए थे बैर ढूंढने और क्या था। इतना मस्ती करने वाले इस गांव में कोई दिख ही नहीं रहा है। सारे बच्चे नहीं है ना, सब लोग रहते हैं, हमेशा घूमते फिरते रहते, इसलिए आदत नहीं। अब देखो शहर से आते लोग देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। हाँ। थोड़ा टहल लें, घूमने। हाँ। तुम चल लेती हो? कैसे चढ़ती है हम आपको दिखाते हैं। अभी तो नहीं चढ़े हैं, क्या पता नहीं चढ़ रहा है तो। चल लोगी, चल लोगी। ये लड़की पेड़ पे चढ़ने वाली है, फिर गिर गई। हाथ फिसल रहा है शायद, इसीलिए शायद। कोई करने वाला जगह मतलब अच्छा वो नहीं बना है। हाँ। बल्कि उस पे बना है जिसपे दुपट्टा रखी हो। हाँ, पर उसमें है नहीं शायद। हाँ, उसमें कच्ची कच्ची है। एक बार और आपकी बार पे चढ़ गई। नहीं तो चढ़ती हाथ लगाते फिर। और फाइनली ये लड़की पेड़ पे चढ़ गई है। तो हम लोगों को फाइनली इतनी बेर मिली है जो कि इसकी मेहनत है। और ये चढ़ के तोड़ी है लड़की, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी बैर है। तो हम लोग बैर और कैथा लेके जा रहे हैं घर। फाइनली हम लोग जिस चीज के लिए आए थे हम लोगों को मिल गई और अब हम लोग घर जा रहे हैं। मैं आपको करवाती हूँ थोड़ी देर में अपना होम टूर, मतलब मेरे गांव का घर कैसा है। तो हम लोग चल रहे हैं। हाँ चाचा। हाँ। ज्यादा नहीं मिली, थोड़ी मिली। ज्यादा देखा ना, तेरे ऊपर कूद जाए बंदा छत पे। अरे रे, दौड़ा रहा। देखिए हमारा घर, हम लोग इतनी दूर आए थे। कराती हूँ आपको अपना होम टूर, ये देखिए ये है मेरा घर। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये पहले देखिए, ये पीछे पेड़ वगैरह है। पहले बाहर है हमारा मंदिर और उसके बगल ये हैंड पंप। ये हमारा मंदिर है और ये है हमारा हैंड पंप। देखिए हम लोग बचपन में ऐसे चलाते थे। चलने लगा पानी निकल। और फिर इधर लगा हुआ है नीम का पेड़, ये है तुलसी माता का पेड़। और ये है हमारा घर पूरा। चलो चलते हैं। ये सबसे बड़े पापा का रूम है।
इसमें तो ताला लगा है। अब तो शायद ये स्पेस है आपको भी सामान रखना, शादी वादी में खाना वाना फिर बाइक के लिए ये स्पेस है। और ये वॉशरूम है, ये डबल वॉशरूम है, इसके अंदर दो वॉशरूम है आप देख सकते हैं। ये गलियारा है और दो वॉशरूम, एक नहाने का है, एक इंडियन है, एक वेस्टर्न है। वॉशरूम में खाना आपको अच्छा नहीं लगता। और ये एक एक्स्ट्रा रूम है जिसमें हमारे वो रखे जाते हैं अनाज पानी, लाइक हम देखते हैं। हाँ, ये इसमें हमारा अनाज रख जाता है और जब सब इकट्ठा होता है तो सब इसी में रहते हैं, किसी के लैपटॉप का चार्जर छूट है। और फिर यहाँ पे आपको देख के सबसे अच्छा लगेगा क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे तो पूरा मतलब बहुत बड़ा जगह है। यहाँ पे जब शादी वादी होती है ना हम सब यहीं पे बैठ के खाना वाना खाते हैं, बहुत बड़ी जगह। और ये एक दरवाजा है क्योंकि बाहर निकल जाते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से कुआं दिखेगा आपको, देख सकते हैं ना। तो ये दरवाजा हम लोग बंद रखते हैं हमेशा, जो कि पुराने जमाने का बहुत कड़ा दरवाजा है, देख सकते हैं आप इसको बंद करने का सिस्टम। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ छत पे। और ये देखिए कितनी बड़ी छत है, बहुत ज्यादा बड़ी। यहाँ से बाहर का पूरा नजारा दिख रहा है ना दीदी। ये हमारा पुराना घर है जिसमें पहले हम लोग रहते थे, फिर उसके बाद बाबा चले गए तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाबा की बहुत सारी यादें हैं इसमें। तो हम लोग इस वाले घर में रहते हैं, सबसे पहले वो इसी घर में रहते थे, उसकी छत हम लोग दशहरे में उसी पे सोते थे। जब दशहरे में सब लोग इकट्ठा होते थे ना, हम लोग उसी पे सोते थे, वहाँ जब कबूतर बैठा और नीचे गैया रहती थी और ये नीम का पेड़ से बहुत अच्छी हवा आती है। एक बार ये नीम का पेड़ उखड़ चुका है, फिर दोबारा लगाया, दोबारा वाला। और इतनी बड़ी छत आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मौसम आज इतना सुहाना है ना, पता नहीं हमने सब दिन ही चूज किया आने का कि मौसम एकदम सुहाना हो रखा है और बहुत मजा आ रही है हम लोग को। चलो सबसे सबसे ऊपर चलो, हम लोग जा रहे हैं सबसे ऊपर, आपको दिखाते हैं सबसे ऊपर, बहुत मजा आती है। आप लोग सोच रहे होंगे लड़की पागल है, गाँव में इतनी खुश होगी जैसे पहली बार आई, लेकिन गाँव आने की खुशी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है गाँव में। ये देखिए यहाँ पूरा गाँव दिखता है पूरा का पूरा। ये हवा के लिए है,
देख सकते हैं कि किसके घर में क्या हो रहा है। ये बेल का पेड़ देखिए, कितने सारे बेल हैं। ये बेल यहाँ पे पक्के चुन गिरा हुआ है। और ये देखिए चारों तरफ कितना बढ़िया खेत है, कितना सुंदर लगता है। अगर छत पे आ गए तो नीचे का मजा। अगर हम लोग रहते तो यहाँ पे वो करते ना, खूब सारा वीडियो बनाते। ये देखिए मेरी छत से पूरा गांव दिखता है। और ये है हमारी नीचे वाली छत। पूरे गांव में दिख रहा है कि किसके घर कच्चे हैं, किसके घर पक्के हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे मौसम का आनंद ले रहे हैं, छत पे एकदम ऊंचाई पे खड़े होके। हमको डर लगती है ऊंचाई से, लेकिन अभी नहीं लग रही है, अभी मौसम अच्छा लग रहा है। और हम लोग यहाँ से पूरा गांव देख के और बातें कर रहे हैं, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रही है। पत्नी आज मौसम बहुत अच्छा है, ज़्यादा ठंड वंड तो नहीं है, और क्या बोलते हैं, हवा चल रही है खूब अच्छी सी, एकदम अच्छी वाली। ऐसा नहीं लग रहा है कि ठंड लग रही है या कुछ भी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये अच्छा था, हम लोग बैर तोड़ के चले आए, कोई कुछ कहा भी नहीं, नहीं पता चला सब लोग डांटने लगते हैं। उधर कितना अच्छा लग रहा है इस साइड में देखने में। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम हरा दिख रहा है। ये देखिए आपको भी दिखेगा हरा चारों तरफ हरियाली। हाँ हमको लग रहा है हम कितना चमकीला सूट पहने हैं, बहुत दिन बाद पहने ना ये वाला सूट। हाँ। और ये हमारे छत का नीचे वाला हिस्सा है, मतलब नीचे का नीचे वाला हिस्सा है। और हम लोग अभी इधर आ गए, हवा उल्टी बह रही है इधर। हाँ। ना ये जो सरसों कटा है रखा है, कितना सुंदर लग रहा है दूर से देखने में। हाँ सही बात है, जैसे बना बना के जैसे लोग रखे हैं वो, तो ऐसे काट के ऐसे ऐसे रख दिए ना। और ये गेहूँ भी देखिए ऐसे लग रहा है जैसे बीच में लकीर हो ना, इस वाले खेत में बीच वाले में कैसे ऐसे लाइन से बोते होंगे, बोते ना सब छीट देते हैं अपने आप से निकल जाता है लाइन से। तो भगवान जी ऐसा बनाए हैं शायद, ये बीच बीच में डिजाइन भी पड़ी है जो हवा चली थी ना जो गिर गया है, बीच बीच में डिजाइन पड़ी है। यहाँ ब्लॉग में अच्छा मुँह आ रहा है, जो कहते नहीं है मतलब नेचुरल लाइट ही होती है। तो मुझे तो गांव आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए कि मेरे फॉलोवर्स सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी 1000 हो जाएं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर, और जैसे ही हम घर पहुंचे ना बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। ये मेरा फिफ्थ टेक है, मतलब पांचवी बार मैं शूट कर रही हूँ ये वीडियो। पता नहीं आज क्या हो गया है, मेरा वीडियो शूट ही नहीं हो रहा है। मतलब जब मैं बोलने जा रही हूँ ना तो मतलब कुछ भी बोल दे रही हूँ। तो मेरा दिन आज का बहुत अच्छा रहा, फिर गांव से आके मैंने तुरंत जो है मैं बाथरूम में घुस गई, नहाया मैंने, क्योंकि वहाँ पे मतलब हम लोग गए थे बगीचे में, और मतलब थोड़ा सा बाहर धूल मिट्टी में भी जाते हैं, तो मतलब मैं थोड़ी सी हाइजीन कॉन्शियस हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को साफ़ सुथरा रखने में बहुत विश्वास रखती हूँ, और बचपन से ऐसी ही रही हूँ तो आदत सी हो गई है। और उसके बाद मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, आप लोग ब्लॉग में देखेंगे कि मैंने कितनी मस्ती की।
और अब कल स्कूल जाना है, तो बच्चों के ओरल एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं कल से। तो अभी मैं जल्दी सोने जा रही हूँ और थकान भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। मिलते हैं आपसे कल कुछ नए दिन में, कुछ नई बातों के साथ नए दिन में। और आपको मेरा चैनल अच्छा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, स्माइल करते रहिए।